नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए रोचक नवाचार थीम आधारित उपस्थिति लेके आए। इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 5 के गणित विषय के पाठ साधारण ब्याज लिया है। साधारण ब्याज को और बेहतर रूप से समझाने के लिए और इस पाठ की पुनरावृत्ति करने के लिए और रिवीजन करने के लिए इस नवाचार का उपयोग किया जाता है। इस नवाचार की एक स्पेशलिटी ये भी होती है, एक विशेषता ये भी होती है कि इस नवाचार में हर बच्चे का पार्टिसिपेशन होता है, हर बच्चे की भागीदारी होती है, क्योंकि अनुक्रमांक 1 से लेकर अंतिम अनुक्रमांक तक, रोल नंबर 1 से लेकर अंतिम रोल नंबर तक हर बच्चे को बोलना होता है, हर बच्चे को आंसर देना होता है, हर बच्चे को रिस्पॉन्ड देना होता है। क्योंकि हर बच्चा आंसर देता है तो उसके लिए वो गृह कार्य भी करता है। यदि एक संकोची बच्चा होता है तो उसको भी बोलना होता है तो वो भी बोलता है। उसमें वाक्पटुता भी आती है, संप्रेषण की कला भी आती है, वो चूंकि विनम्रता से बात करना सीखता है तो उसमें विनम्रता भी आती है, वो कल्पनाशीलता करता है, सोच के करता है, लॉजिक लगाता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। तो ये सारी गुण जो हैं जो सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होती है, संप्रेषण कला, लीडरशिप, वाक्पटुता, विनम्रता, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब इस नवाचार से बच्चों में, ये सब गुण इस नवाचार से बच्चों में विकसित करने की कोशिश की जाती है। अब यदि हम बात करें ये साधारण ब्याज क्या है, तो इसका एक सिंपली से फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यदि मान लीजिए 1000 रुपये है, उसका 1 साल का 1% की दर से कितना ब्याज होगा, मतलब 100 रुपये पे 1000 रुपये पे 10 रुपये सालाना। अब यदि वो 5 साल का हो गया तो वो 50 रुपये हो गया। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय, यदि 1 साल का समय है 1% ब्याज है तो हो जाएगा 1000 × 1 × 1/100, तो ये हो जाएगा 10 रुपये। अब परसेंट यदि बढ़ जाए, 5% बढ़ जाए तो यही हो जाएगा 1000 × 5 × 1/100। तो 5% 1 साल का हो जाएगा 100 रुपये पे 5 रुपये, 1000 रुपये पे 50 रुपये, इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 के लिए। तो जब इसको प्रोजेक्शन किया जाता है, इस नवाचार को क्रियान्वयन किया जाता है कक्षा में, तो हर विद्यार्थी का जब रोल नंबर आता है, अनुक्रमांक आता है, शिक्षक जैसे बोलते हैं अनुक्रमांक 1, तो जो अनुक्रमांक 1 का बच्चा है उसकी ब्याज दर 1 मान ली जाती है। अब उसको उस ब्याज दर के हिसाब से आंसर निकाल के दिखाना पड़ता है। जैसे शिक्षक ने लिख दिया कि 1000 रुपये मूलधन है और समय है 1 वर्ष का, तो अब अनुक्रमांक 1 का 1% ब्याज दर मान दी गई, तो फिर वो करेगा 1000 × 1 × समय भी 1 मान लिया गया बटे 100, तो हो गया 10 रुपये। इसी प्रकार से अनुक्रमांक 5 आता है, उसको 5 दर मान ली जाती है, तो 1000 × 5 × 1/100, तो 50 रुपये हो जाती है। इस प्रकार से हर बच्चा अपने आप से कैलकुलेशन करता है, अपने रोल नंबर के हिसाब से, अनुक्रमांक के हिसाब से, और वो आंसर पा जाता है। इसके अलावा शिक्षक बोर्ड में अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग इबारत दे सकते हैं और उसके हिसाब से बच्चों को निकालने के लिए पूछ सकते हैं। इस प्रकार से पाठ का दोहराव और रिविजन बहुत अच्छे तरीके से होता है और हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेशन करता है। ये नवाचार कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नवाचार बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको अपने स्कूल में, विद्यालय में और कक्षा में जरूर क्रियान्वयन करेंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। यदि आपने यूट्यूब चैनल ZIIEI का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक मनोरंजक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके पठन पाठन में बहुत सहायता करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।